किसान सामान्य खेती करके कुछ पैसे तो कमा रहे हैं, पर आज के नए दौर में सामान्य खेती के साथ साथ और भी कई नई तरीके की खेती हो सकती है, जैसे कि मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, बागबानी खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती। ये सब खेती के लिए सरकार भी किसान को सहाय कर रही है। सरकार ने हाल ही में नई योजना के तहत इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया है। अब किसान सामान्य फसल के साथ साथ खेती में ही मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं और लाखों रुपयों की कमाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इस प्रकार की खेती करने के लिए सिर्फ सब्सिडी ही नहीं बल्कि नई खेती के लिए तालीम भी दे रही है, ताकि किसान सामान्य फसल के साथ साथ ये नई खेती करके एक प्रगतिशील किसान बने। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता पटेल, हमारे YouTube चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचा सके। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपको मधुमक्खी पालन के लिए क्या करना होगा? मधुमक्खियों को रखने के लिए किसान को जैविक मोम के छत्तों से भरे डिब्बे की जरूरत होगी। इस डिब्बे यानी बॉक्स में 50 से 60 हजार मधुमक्खियाँ एक साथ रखी जाती है। एक मधुमक्खी बॉक्स की कीमत लगभग 4000 रुपए होती है। एक बॉक्स से 35 से 40 किलो तक शहद निकाला जा सकता है। एक एकड़ जमीन पर बॉक्स लगा के भी किसान लाखों की कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मधुमक्खी का छत्ता यानी बॉक्स कब लगाना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते लगाने के लिए वसंत ऋतु आदर्श है। जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है और फूल खिलने लगते हैं, आप अपना छत्ते स्थापित कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उचित समय है। इस समय के दौरान फूल अधिक संख्या में खिलते हैं। फरवरी मार्च तक फूलों की संख्या अधिक होती है, इससे मधुमक्खी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जितनी ज्यादा संख्या में मधुमक्खियां, शहद का उत्पादन भी उतना ही अधिक होता है। शहद निकालने का सही समय अप्रैल, मई और जून है। यदि छत्ते के बीच के हिस्से को चाकू से चीर दिया जाए तो निकालने के 15 दिन में शहद फिर तैयार हो जाता है। एक्सपर्ट के मत अनुसार मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करने के लिए 10 बॉक्स से शुरुआत की जा सकती है। इसमें लगभग 40,000 रुपए तक का खर्चा आता है। मधुमक्खियों की संख्या भी प्रत्येक वर्ष बढ़ती है। ये तो बात हो गई मधुमक्खी पालन के लिए हमें क्या करना है, कब करना है और इससे कितनी कमाई होती है। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए योजना के तहत किसानों को कितने लाभ होंगे। सरकार मधुमक्खी पालकों को 400 रुपयों में एक बॉक्स और छत्ता प्रदान कर रही है। छत्ते में रानी, ड्रोन और श्रमिकों के साथ 8 फ्रेम देंगे, जिनकी आंतरिक दीवारें मधुमक्खियों और कलियों से ढकी होगी। बिहार में सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम के तहत 2200 मधुमक्खी बक्से लगाए जाएंगे, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आय कमा सकेंगे। इस योजना के तहत मधुमक्खी पालकों को 75% से लेकर 90% तक की सहायता दी जाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए कर्ज की सुविधा सरकारी तथा गैर सरकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान की गई है। इसके अलावा आप केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय अंतर्गत विभागों से भी कर्ज ले सकते हैं। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में मधुमक्खी पालन पर सब्सिडी दी जा रही है। झारखंड में मधुमक्खी पालन व्यवसाय को लेकर एक मीठी क्रांति योजना भी लॉन्च की गई है। उसमें भी किसानों ने लाभ लिया है और अच्छी कमाई की है। किसान भाइयों, ऐसी ही योजनाओं के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी आप चाहे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं कि इस योजना से कितना लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सामान्य जाति को 75% और SC/ST को 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। मधुमक्खी की पेटी सामान्य जाति के लोगों को 4000 रुपयों से 1000 रुपयों में मिलेगी और SC/ST को 400 रुपयों में मधुमक्खी के बक्से और छत्ते भी देती है। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय खोला गया है, जिसकी लिंक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिसके जरिए लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सब्सिडी और लोन प्राप्त करने के लिए अपने जिला कार्यालय का संपर्क करके आप संबंधित अधिकारी से सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रामीण खादी ग्रामोद्योग विभाग, मधुमक्खी पालन विभाग, नाबार्ड बैंक आदि के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। काफी किसान नहीं जानते होंगे कि मधुमक्खियां कई फूलों वाले पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कुछ फसलों जैसे सूरजमुखी और विभिन्न फलों की उपज में वृद्धि होती है। और एक बात, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की तालीम लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार भी खोल सकते हैं। तालीम पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना में लाभ लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी आप फोन कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।